दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ज्वाली की ग्राम पंचायत नडोली में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण शुरू करने से स्थानीय वासियों में खुशी की लहर है। स्थानीय वासी हुकुम सिंह राणा ने बताया कि ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर से इस रास्ते निर्माण की मांग की थी, जिसे विधायक ने प्रमुखता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी में इसके लिए फंड प्रदान करवाया। इसकी अनुमति काफी समय पहले मिल गई थी, परंतु मार्च में कर्फ्यू लगने के कारण निर्माण कार्यों में रोक लग गई थी। परंतु प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी व आईपीएच को अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुमति दे दी है। मैं वो नडोली पंचायत का हुकुम सिंह राणा बोल रहा हूँ। गांव पदराड़ा में जो सड़क का काम चला हुआ है, मिंदू ठेकेदार करा रहा है और महकमे के एसडीओ साहब और जे साहब काम को शुरू करा गए हैं एसडीओ साहब, और उसके बाद बहुत अच्छा काम चला हुआ है। और जो 35 साल से आज तक का काम नहीं हुआ है, वो 3 साल के बीच काम सड़क का चला हुआ है। गाँव पदराड़े के लिए बहुत सुविधा प्राप्त हुई है हमें, और मैं श्री अर्जुन सिंह ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत आभारी हूं हम। और सड़कों को काम देखो कितना अच्छा हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।